हम लोग हरिद्वार परसों रात को ही पहुंच चुके थे, कल तो रहना ही है यहाँ पे हरिद्वार में, तो कल जाएंगे हम लोग आके देखने के लिए। और इधर बैग इन चल रहा है, बैग फेकिंग, तो मेरा बैग फेकिंग हो गया था बट इसको फिर से खोलना पड़ेगा और बस अपना बैग घर पहुंच जाए कुरियर से। अभी घर पहुंचने में मेरे को और ना 1 महीना लग ही जाएगा। पहले तो बाबू भाई से मिल लेंगे, फिर हम लोग दिल्ली जाने का सोच रहे हैं। पूरा थका हुआ तो सो मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाया, तो कल का ब्लॉग मैंने आज अपलोड कर दिया। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, मैं अक्षय और आज के इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम को 4 बजे हरिद्वार से। और हम लोग हरिद्वार परसों रात को ही पहुंच चुके थे और अभी हम लोग निकले थोड़ा मार्केट की तरफ। अपना सामान जो है वो कुरियर करके भेजना है, तो सामने एक पोस्ट ऑफिस था, वहाँ पे जाके मैंने पता करा, बोला भेज सकते हो बट अभी नहीं होगा, अभी टाइम होगा, पार हो गया, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक पोस्ट ऑफिस खुला रहता है। सो बट हम लोगों को अपना सामान अच्छे से पैकिंग करके देना पड़ेगा, वो लोग पैकिंग का रिस्क नहीं लेगा बोला। सो अभी हम लोग उसी के लिए जा रहे हैं मार्केट में, कुछ पन्नी वन्नी कार्टून वगैरह लेके आएंगे, फिर अपना बैग को पैकिंग करना पड़ेगा यार अच्छे से, और कल अपना बैग को कुरियर करना पड़ेगा, फिर हम लोगों का टेंशन फ्री हो जाएगा क्योंकि बैग हमारा बहुत भारी हो रखा भाई। सो फटाफट से चलते हैं मार्केट में और दुकान में जाके देखते हैं, किसी दुकान में अगर मिले तो सही है, नहीं तो हम लोगों को कुछ दूसरा जुगाड़ करना पड़ेगा। और हरकीपुरी गंगा घाट में भी जाने का सोच रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पर रुके थे उस टाइम हम लोग नहीं जा पाए, वहाँ पे आरती टाइम में रात को जब आरती होता है शाम को, तो मैं वही सोच रहा हूँ अभी पहले तो अपना पैकिंग का सामान ले लेते हैं, फिर हरकीपुरी भी जा के आएंगे और आरती देख लेंगे वहाँ पे और आप लोगों को भी दिखा देंगे। तो यार अभी हम लोग जा रहे हैं हरकीपुरी की तरफ क्योंकि पीछे में मैं एक दुकान वालों से पूछा कि बोला आगे ऐसा दुकान मिल जाएगा जहाँ बैग पैकिंग होता है कुरियर करवाने के लिए, तो फिलहाल अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। और ना गाइस, कल मैं वीडियो नहीं डाला उसके लिए सॉरी यार, वीडियो तो बनाया हुआ था बट एडिटिंग कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि परसों मैं पूरा थक गया था, परसों रात के आके हरिद्वार जब पहुंचा तो दूसरे वाले दिन मैं पूरा थका हुआ था, सो मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाया, तो कल का ब्लॉग मैंने आज अपलोड कर दिया उसके लिए सॉरी यार। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं हरकीपुरी घाट में और अपना बैग पैकिंग का सामान ले लिया और बोतल भी ले लिया क्योंकि इसमें गंगा जल लेके जाना है घर, मैं सोच रहा हूँ इसमें गंगा जल भर के अपना बैग में डाल के उसको भी कुरियर ही कर दूँ। और अभी शाम होने वाला है, बस आरती होगा, फिर आरती देख के हम लोग यहाँ से जाएंगे और पानी भी ले लेंगे। और देख रहे हो भाई साहब कितने लोग नहा रहे हैं, बट हम लोग नहाने का मन है बट नहीं नहाएंगे क्योंकि अपना गमछा वमछा नहीं लाया ना, सो इसीलिए नहीं नहाएंगे, तो थोड़ा देर वेट करते हैं और आरती होने का टाइम करते हैं, मस्त लगेगा भाई आरती का टाइम। अभी ना गाइस आरती होने के लिए और 2 घंटा बच रहा है भाई, मतलब 7:30 बजे आरती होता है, तो हम लोग मैं और संदीप तीर रूप भी रूम में है तो वो खराब पड़ जाएगा, तो हम लोग अभी बुरा मान जाएगा एक ही बात है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं रूम में, पानी तो लेके चले जाएंगे बट कल तो रहना ही है यहाँ पे हरिद्वार में, तो कल जाएंगे हम लोग आके देखने के लिए। अभी पानी भरते हैं निकलते हैं यहाँ से, तब तक थोड़ा यहाँ का सिनेमैटिक चेक कर लेते हैं। हम लोग वहाँ से निकल चुके थे और संजीव ने एक चश्मा लिया, वो मैं पहना रखा हूँ, M6 का 70 रुपये में भाई, इतना सस्ता मिल गया। और अभी हम लोग जा रहे हैं आश्रम में, मेरा सर दर्द कर रहा है यार थोड़ा थोड़ा, और अभी देख रहे हो अभी तक इधर में अंधेरा नहीं हुआ है, हमारे घर के साइड में तो अभी तक पूरा अंधेरा हो गया होगा भाई। अभी रूम में जाके अपना बैग वैग पैकिंग करना है, फिर कल सुबह 10 बजे जाके पोस्ट ऑफिस में अपना बैग कुरियर करवाने के लिए देना पड़ेगा यार। और हम लोग ना परसों तो हरिद्वार पहुँच गए थे रात को, हम लोग इसीलिए रुक रहे हैं यहाँ पे क्योंकि मैंने शायद आप लोगों को कहा था ना कि UK07 डायर बाबू भैया से मिलना है, तो बाबू भैया अभी घर पर है नहीं, वो लद्दाख राइड पर है, सो उसको आने में थोड़ा अभी और 4-5 दिन टाइम लगेगा, सो उसके आने तक हम लोग यहीं पे रुकने वाले हैं हरिद्वार आश्रम में, क्योंकि यार इतना दूर से जब आया है तो उनसे मिल के जाना यार मेरे को, उनसे मिले बगैर तो मैं जाऊँगा नहीं। और बस अपना बैग घर पहुंच जाए कुरियर से, फिर टेंशन खत्म हो जाएगा अपना। और अभी साइकिल चला रहा हूँ ना, पीछे देख रहे हो, पीछे में कुछ भी नहीं, एकदम हल्का लग रहा है भाई साइकिल चल के, इतना मज़ा आ रहा है ना, अगर बैग पहुंच गया तो बट टेंशन ही नहीं, बस 2 टी-शर्ट 2 पैंट उतना ही काफ़ी, उतना रख लिया अपना ज़रूरत का सामान, बाकी सब मैंने कुरियर करने के लिए पैकिंग कर दिया है,
क्योंकि इतना सामान रख के ना कुछ फ़ायदा नहीं यार। और मैंने तो गंगा जल ले लिया, एक बोतल इधर में साइकिल में भी लगा दिया, अभी इसको भी जाके बैग के अंदर पैकिंग करना पड़ेगा, इसको भी भेज देंगे घर, फिर अपना मस्त हल्का हल्का निकल जाएंगे यार। अभी घर पहुँचने में मेरे को और ना एक महीना लग ही जाएगा, क्योंकि पहले तो बाबू भाई से मिल लेंगे, फिर हम लोग दिल्ली जाने का सोच रहे हैं, कन्फर्म नहीं है। सो बॉयज, हम लोग रूम में पहुँच चुके थे और इधर हम लोगों पार्टी चल रही है, बैग फेकिंग। तो मेरा बैग फेकिंग हो गया था, बट इसको फिर से खोलना पड़ेगा। संजीव आपको मतलब मेरे को ठीक से मतलब सेटिंग करना नहीं आता ना, तो संजीव इसको फिर से पैकिंग करेगा। अभी मैं पूरा सामान को बाहर निकालूंगा, फिर गंगा जल को भी इसी बैग में डालना है, और अपना जो स्लीपिंग बैग है वो भी संदीप बोल रहा है इसी में डाल देगा। वैसे तो मैं जैसे पैकिंग किया था पूरा फुल हो चुका है, अभी देखते हैं इतना बड़ा स्लीपिंग बैग संदीप कैसे डालता है। अपना बैग तो पैकिंग हो गया और खाना वाना भी खा लिया हम लोग। तो इस वीडियो को मैं ही एंड करते हैं यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब तो कर लेना, क्योंकि आगे बहुत खतरनाक खतरनाक प्लानिंग चल रहा है हम लोगों का। सो बाय बाय, गुड नाइट।